लोकार्पण के मौके पर हुए मुख्य समारोह में सूफी गायक पद्मश्री कैलाश खेर ने ऐसा समा बांधा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी खुद को नहीं रोक सके। कैलाश ने जैसे ही अपने एल्बम कैलाशा का गीत जाना जोगी ने नाल ली गाना शुरू किया, वैसे ही मंच पर बैठे शिवराज परफॉर्मेंस दे रहे कैलाश खेर के पास पहुंचे और उनके साथ झूमने लगे। कैलाश खेर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष महाकाल के स्तुति गान जय श्री महाकाल सुनाते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। इस भक्ति गीत को कैलाश ने खुद ही रचा और कंपोज किया है। इसमें महाकाल और उज्जैनी का विस्तार से वर्णन है। महाकाल को समर्पित यह पहला आधिकारिक गाना है। मोदी के जाने बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रस्तुति के बीच में मंच पर पहुंचे तो कैलाश के संग वह भी शिव भजनों पर भक्ति रस में झूम उठे। रात 7:45 पर कार्तिक मेला ग्राउंड में प्रधानमंत्री की सभा शुरू हुई। सबसे पहले कैलाश खेर ने महाकाल स्तुति गान भारत मध्य स्वभूमि ज्योतिलिंग यजामहे की प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि संगीत और अध्यात्म को साथ लाना सपना था, आज ये पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज हम सभी गदगद हैं। भारत अत्यंत प्राचीन व महान राष्ट्र है। 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा। दुनिया के विकसित देशों में जब सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहाँ वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। प्रधानमंत्री के महाकाल लोक अवलोकन के दौरान मध्य प्रदेश की मलवा संस्कृति का नृत्य, गुजरात का गरबा, आंध्र प्रदेश के कलाकारों ने कुचिपुड़ी नृत्य की प्रस्तुति दी। खास बात यह है कि झारखंड से ट्राइबल एरिया से आए 12 कलाकार ने अपनी सांस्कृतिक परंपरा अनुसार भस्मासुर की प्रस्तुति दी। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत, राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।